चले लिखे टेबम आ गए टेबम टेबम। हाँ ये समझ में आएगा? हाँ नहीं समझ नहीं आएगा आपको जो भी चैप्टर हो देख लीजिएगा, चैप्टर एक है टेबम, क्योंकि आपको तभी समझ आएगा जब नया चैप्टर शुरू करेंगे अगला चैप्टर शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये चैप्टर है लेकिन पिछले से पिछले ही वाला रिलेटेड है। जैसे क्या होता है कि हम सीरियल वाइज नहीं पढ़ाते हैं, जैसा है ना एक सिंगल रन फोर्स डबल रन फोर्स टी बीम एक ही तरह का है, या देखिएगा हम बताएंगे तो तीनों एकदम एकदम लाइन से समझ आता है, नहीं आता है तो तीनों नहीं आता है। आपको आएगा अगले चैप्टर से शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ से पूरा समझ आएगा, क्योंकि वो अलग चीज़ है तो ये चैप्टर नहीं समझ आएगा ठीक है, लेकिन बने रहेंगे थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, बने रहिए। हाँ भाई चैप्टर ही है और पिछले का ये चैप्टर है पिछले ही की तरह। लिखिए टी बीम, लिखिएगा टी बीम में लिखिएगा लिखिए जब किसी हाल की लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक होती है, जब किसी हाल की समझते हैं जो मीटिंग वगैरह होता है आप लोगों का हॉल है ना, अभी टीवी में बता रहे हैं क्या होता है, जब किसी हॉल की लंबाई और चौड़ाई बहुत अधिक होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा जनरली 4 मीटर से अधिक, यानी 4 मीटर से अधिक जब रहेगा बहुत अधिक होती है, 4.5 लिखिएगा 4.5 मीटर जनरली 4.5 मीटर से अधिक, ब्रैकेट में क्या लिखे सर 4.5 मीटर से अधिक। होती है तो उस जगह टी बीम प्रदान किया जाता है, उस जगह टी बीम प्रदान किया जाता है। टी बीम प्रदान किया जाता है लिखे या अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है, या अंग्रेजी के टी अक्षर के समान होता है, जिसको छत के साथ या अलग से बनाया जाता है ढाला जाता है, जिसको छत के साथ या अलग से ढाला जाता है। इसमें फ्लेंज लिखे या फ्लेंज और वेव से मिलकर बना होता है, या फ्लेंज और वेव से मिलकर बना होता है। पहले समझ लीजिए है क्या चीज़, ये देखिएगा आप लोग देखे होंगे हॉल देखे हैं ना, है ना, देखिए ये हो गया आपका हॉल, हाँ एक फ्लेंज और एक वेव से मिलकर होता बना होता, एक क्या हो गया भाई आपका हाल हो गया, समझ रहे हैं। तो देखेंगे हॉल में जब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना तो बेंड कर जाएगा, समझिए जब इसकी लंबाई अधिक हो जाए तो क्या कर जाएगा ये बेंड कर जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट क्या होता है WL² / 8 होता है ना, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है WL² / 8, जब ये बहुत बड़ा होगा तो लंबाई बढ़ेगी तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है इसकी बढ़ जाती है, बेंड करने लगता है। तो अब बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए दो तरीके होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे M/I σ/y, यहाँ से यदि हम m को देखें तो क्या हो जाएगा, m को हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा σ/i/y, यही तो होता है। तो देखिए i क्या होता है, m = i क्या होता है BD³/12 होता है ना, तब क्या करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि m जो होता है ना वो mr के बराबर होता है, भी पढ़े होंगे आप mr = i होता है ना, नहीं पढ़े आप लोग ऐसा m/i mr/i, क्योंकि जितना मोमेंट देगा उतना ही तो रेजिस्टेंस देगा, नहीं पढ़े
होता है तो हम वही तो आरसीसी में पढ़ाते हैं, जो एम होता है वही एम आर की कोड होगा, क्योंकि जितना बेंडिंग आएगा उतना रेजिस्टेंस कर देगा वो, है ना। तो एम आर यदि हम लिखते हैं, देखिए एम आर को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा एम आर को, यानी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए यहाँ डी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यानी यदि आपका बीम क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है ना, जिसकी गहराई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बेंडिंग उसकी कम हो जाएगी, भारी तो होगा लेकिन क्या होगा, बेंडिंग उसकी कम होगी, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। उसकी चौड़ाई भी बढ़ाएंगे तो उसकी बेंडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जेई में एक बार क्वेश्चन आया था कि किसी बीम के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो चौड़ाई और गहराई में किसको बढ़ाना मेरे लिए ज़्यादा फायदा होता है, तो किसको बढ़ाना फायदा होता है, गहराई को, कहीं गहराई पर क्यू, गहराई पर दो बढ़ाएंगे तो आठ बढ़ जाएगा और चौड़ाई तो दो बढ़ाएंगे तो इस फार्मूले से दो ही बढ़ेगा। तो ऐसे में ऐसा ही क्वेश्चन था कि गहराई बढ़ाना ज़्यादा फायदा रहेगा कि चौड़ाई बढ़ाना, तो यहाँ से दिखता है। तो इसको इसके बेंडिंग मोमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी गहराई को बढ़ा के, लेकिन जब गहराई बढ़ाएंगे तो भारी होगा, है ना, और कितना गहराई बढ़ाएंगे भाई, तब उस गहराई को न बढ़ा के हम क्या करते हैं, बीच बीच में टी बीम दे देते हैं, कौन सा बीम दे देते हैं हम, टी बीम दे देते हैं भाई, समझ आया, ऐसा देखें ना हॉल में देखते होंगे आप लोग, टी बीम, कौन सा बीम दे दिए हम, टी बीम दे दिए, अबे पूरे चौड़ाई में क्या दे देते हैं हम लोग, टी बीम दे देते हैं, समझ आ रहा है वाली चीज़ें, समझ आ रहा है, टी बीम है ना, अरे नहीं देखे हैं, अरे कैसे नहीं देखे, हॉल देखिए ना, फर्स्ट ईयर और जो भी आपका क्लास होगा कॉलेज में, हॉल है तो हॉल में ऐसे बीम की तरह गया होगा, हॉल में जो मतलब हाँ छत है ना, छत छत में थोड़ा सा निकला होगा, वही टी बीम है, तो देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ, इसको हम दीवार यदि कर दें, यहाँ दीवार कर दें तो देखिए, देखिए टी बीम की तरह हो गया ना, छत गया, छत में क्या है, लटका हुआ है। अब हम वही कर रहे हैं कि यदि टी बीम, देखिएगा अब यदि टी बीम को अलग से ढालें, टी बीम को अलग से ढाल दे रहे हैं, इसको अलग से और इसके ऊपर छत की ढलाई हम अलग कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग मोनोलेथिकल लेथिकल टी बीम, क्या कहते हैं भाई, इसको क्या किए हैं, अलग अलग ढाले हुए हैं, है ना। उसके बाद नहीं यार मोनोलेथिकल नहीं, इसे आइसोलेटेड कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड कहते हैं। और दोनों को यदि साथ ही ढाले हुए हैं भाई, दोनों को कैसे ढाले हुए हैं कि पहले देखेंगे ऐसा ही बनता है, सब पटरी वगैरह लगा दिया जाता है टी बीम का, और छत और टी बीम दोनों को एक ही साथ ढाला जाता है, तो उसे कहते हैं मोनोलेथिकल टी बीम, क्या कहते हैं हम लोग, मोनोलेथिकल लेथिकल, यानी एकास्मिक, हाँ हिंदी क्या हो गया आपका, ऐसा एकास्मिक टी बीम, दोनों को एक साथ ढाले हैं तो कहेंगे एकास्मिक टी बीम, और दोनों को अलग अलग, देखिए इसको पहले ढाल दिए बीम को, उसके ऊपर छत को ढाले हैं तो कहते हैं आइसोलेटेड, अलग अलग ढाला गया टी बीम, समझ आया, हाँ देखिए ना, चलो देखे हैं हॉल के नीचे जो रहता है। अब क्या होता है कि जब बेंड करना चाहेगा तो बेंड नहीं पाएगा, क्योंकि बेंड होने के लिए इसका पूरा फ्लेंज है ना, क्या ऊपर वाला क्या हो गया आपका, फ्लेंज हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया आपका, वेव हो गया। अब बेंड करना चाहेगा तो पूरा फ्लेंज ही बेंड करना चाहेगा ना, तो बेंड होगा जल्दी, पूरा फ्लेंज ही बेंड होना चाहेगा, है ना, तो बेंड नहीं जल्दी होता है, तो फ़ायदा हो जाता है इससे टी बीम बनाने से। तो कहाँ तक लिखें आप लोग, हाँ लिखेगा, लिखे जब छत और बीम की ढलाई एक साथ करते हैं तो इसे एकास्मिक टी बीम कहते हैं, यही हमको पढ़ना है, जब छत और बीम की ढलाई एक साथ करते हैं तो इसे एकास्मिक टी बीम कहते हैं, हाँ बना लीजिए फिगर वाला, ये हो जाएगा वाल, ये हो जाएगा आपका वाल, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, टी बीम, हाँ मोनोलेथिकल, बना लीजिए फिगर, बनाइए फटाक से, हम एनालिसिस पे चलते हैं, क्यों मौसम तो पूरा ख़राब हो जा रहा है, लिखे एनालिसिस ऑफ टी बीम, ए लिखे, अब इसी टी बीम को क्या करेंगे, हम जूम करेंगे, ठीक है,
एनालिसिस ऑफ टे बीम। अब एनालिसिस पे पहुंच गए, अब मतलब मेन पोर्शन पे पहुंच गए। एनालिसिस मतलब न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल सब निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एनालिसिस ऑफ टे बीम, अरे बुक में नहीं मिलेगा, चलिए इधर लिखें एनालिसिस ऑफ टे बीम। बुक में एनालिसिस का हेडिंग थोड़ी मिलेगा आपको, एनालिसिस ढूंढ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ टे बीम, ठीक है, इधर देखिएगा। अब देखिए आपको चीज़ समझ आ रहा, एक बहुत बड़ा हॉल हो गया और इसके नीचे क्या डाला गया है, टी बीम डाला गया। तो देखिए आधा लोड जो होगा इधर का किस पे आएगा, इस वाले का आधा लोड देखिएगा, इतने का लोड किस पे आएगा आपका, टी बीम पे आएगा। और इस आधे का लोड, और इस आधे का लोड किस पे आएगा, इस टी बीम पे आएगा। हमें बहुत सारे टी बीम हैं तो ऐसे तो होगा, है ना, है कि नहीं, बहुत सारे टी बीम हैं तो ऐसे होगा। फिर इधर का आधा और इधर आधे का लोड किस पे आएगा, इस टी बीम पे आएगा, इसका इस पे आएगा, यही सही होगा। तो इसी को बना रहे हैं इस वाले तक, यहाँ तक का, यहाँ का देखिएगा, जूम करके बना रहे हैं बस, समझ में आ गया, यहाँ तक है। फिर इसी के बीच में क्या रहेगा, बाहर निकला रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं, बन गया। इसे कहते हैं हम लोग फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज, वी एफ, क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ फ्लेंज। बी से क्या हो गया, विड्थ यानी चौड़ाई, एफ से क्या हो गया, फ्लेंज, क्योंकि ए क्या है आपका, फ्लेंज। इसे क्या कहते हैं हम लोग, डी एफ, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। इसे कहते हैं बी, भाई यहाँ फ्लेंज है तो एफ, ए वेव है तो वी डब्लू, क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ वेव, वेव की चौड़ाई। भाई इसमें छड़ रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई। तो ऊपर से लेकर के और सबसे नीचे तक की दूरी को क्या कहते हैं, टोटल डेप्थ, क्या कहते हैं, टोटल डेप्थ। धरण के ऊपरी सिरे से लेकर के छड़ के केंद्र तक को क्या कहेंगे, प्रभावी गहराई, है कि नहीं। फ्लेंज के निचले सिरे से इसका यूज ही नहीं है, और इस्पात के केंद्र तक को क्या कहते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ रिब। रिब या वेव जानते हैं किच होता है, रिब हो या फिर वेव हो, होता है ना। अब देखिए इसे हम लोग कहते हैं, एक क्या आपका फ्लेंज है, और इसे कहते हैं हम लोग वेव, वेव या रिब, है ना, और इसे क्या कहते हैं भाई, ए एस टी, होता है ना। तो नोट कर लीजिए सब डाटा पहले, क्या किसको क्या कहते हैं, जहाँ बनाइए बनाइए, जहाँ जहाँ बी एफ क्या है, हाँ बनाइए, विड्थ ऑफ, इसको बनाइए फटाक से, कहिए इसको, ए इतना मजा आएगा, अभी तो आगे हम बताएंगे, इतना बनाइए अभी आगे हम जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, ए इतना बनाइए, इसको क्या क्या है वो तो जान जाइए पहले। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज, विड्थ ऑफ फ्लेंज, बी डब्ल्यू क्या है, विड्थ ऑफ रिब, ठीक है। एस टी क्या है आपका, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, टेंसाइल रेनफोर्समेंट, ओके। फिर आपका मिलेगा आपका डी, तो पता ही है, टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ, इफेक्टिव डी, स्मॉल डी क्या है आपका, इफेक्टिव डेप्थ। डी एफ क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज, डेप्थ ऑफ फ्लेंज। डी आर को कोई मतलब है, डी आर का यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखिए, हाँ देखिए, अब समझिए, अब समझिए, अब क्या था, अब समझिए, अब न्यूट्रल एक्सिस हमको निकालना है, समझिएगा। सबसे पहले हमको देखना है कि जो टी बीम है ना, ए क्या हो जाएगा आपका, टी बीम, समझिए, ए क्या हो जाएगा आपका, टी बीम। अब देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहीं भी हो सकता है, वो इसमें हो सकता है, न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में हो सकता है, या फिर वो वेव में हो सकता है। तो हम सबसे पहले केस फर्स्ट लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, केस फर्स्ट लेंगे, जिसमें हम ये मान के चलेंगे ना कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कम है, यानी डी एफ से, यानी अंदर ही है, डेप्थ ऑफ फ्लेंज के कहाँ है,
अंदर है उसी में है, या बहुत आप बढ़ाएंगे उसको तो यहाँ तक है, यानी फ्लेंज में ही है। तो पहला केस क्या है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ है, फ्लेंज में है, या फिर बहुत आप बढ़ाएंगे तो यहीं तक है फ्लेंज के कोने तक, लेकिन अभी वेव में नहीं जा रहा है, ठीक है। यानी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ कह दें, यदि मैक्सिमम हम लिमिट कह देते हैं यहाँ तक कह सकते हैं कि नहीं, हम कहाँ तक कह सकते हैं भाई, यहाँ तक कह सकते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इसके नीचे जा नहीं सकता, बाकी वो अंदर रहेगा तो और अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि नहीं, अंदर रहेगा तो माना अंदर ही है, अच्छी बात है कर दे रहे हैं भाई, माना कहाँ है, अंदर ही है न्यूट्रल एक्सिस, नहीं हो जाएगा। अभी जो केस फर्स्ट लिखे हुए हैं समझिएगा, जब केस फर्स्ट है तो नीचे क्या है आपका, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, यानी ए क्या है आपका एस टी है, ए क्या है आपका विड्थ ऑफ फ्लेंज, ए क्या हो जाएगा आपका डेप्थ ऑफ फ्लेंज, है ना, ए क्या हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ वेव, और ऊपर से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है ना। देखिए ए कंडीशन हो सकता है इसमें, पहला ए मतलब कि पहला कंडीशन क्या है, देखिएगा कंडीशन फर्स्ट ए वाला फर्स्ट में पहला कंडीशन क्या है कि जो एक्स यू है ना वो कम है किससे, डी एफ से, एक्स यू क्या है डी एफ से कम है, यानी समझिए यहाँ यहाँ है ना। तो देखिए स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा ही तो बनता है, यहीं से निकालेंगे अब यहाँ तक, फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा भाई, स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम तो ऐसा ही बनता है, यहाँ तक क्या होगा आपका पैराबोला, उसके बाद रेक्टेंगल, ऐसा ही तो बनता है। ए वाला स्ट्रेस कितना है 0.45 FCK, और नीचे पूरा लोड कहाँ काम करेगा, स्टील पे भाई, जहाँ न्यूट्रल एक्सिस आ गया नीचे तो कुछ है ही नहीं, जहाँ न्यूट्रल एक्सिस आ गया क्या नीचे कुछ है, कुछ नहीं है नीचे, सिर्फ क्या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस हम क्या माने हैं, अभी माने हैं न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, डीएफ के अंदर है, देखिए आप सही है ना, न्यूट्रल एक्सिस कहाँ माना है भाई, पहला कंडीशन क्या है कि न्यूट्रल एक्सिस या तो डीएफ के अंदर होगा या डीएफ के बराबर होगा, पहला क्या है डीएफ के अंदर है, तो देखिए अंदर ही तो है न्यूट्रल एक्सिस डीएफ के, हो गया ना डीएफ के अंदर, बताइए कोई दिक्कत है, तो ऐसा ही बनेगा, पहले पैराबोला उसके बाद रेक्टेंगल, बस सीधा लाइन बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, और नीचे पूरा कहाँ काम करेगा, इसके सेंटर पे, किसके सेंटर पे भाई, छड़ के सेंटर पे। अभी धूप था एकदम गोरे थे, अभी एकदम काले हो गए, अरे हद हो जाता है, समझ आ रहा है वाला चीज़ें है ना। अब बताइए कहीं ना कहीं क्या, यहाँ कहीं ना कहीं सी काम करेगा, कहीं ना कहीं कंप्रेसिव फोर्स काम करेगा, कंप्रेसिव फोर्स का मान कितना होगा 0.36 FCK XU BF, बी एफ हो जाएगा चौड़ाई, आगे बढ़े ना, और टी कितना हो जाएगा भाई, टी कितना हो जाएगा 0.87 FYAST, देखिए कितना तेज हो गए आप लोग। अब ये सेम सम सिंगली की तरह, तो बताइए कितने ऊपर से कितने दूरी पर लग रहा होगा 0.42 XU, इतने दूरी पर तो कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा होगा, लीवर आर्म में कितना मिल जाएगा D-0.42 XU, है कि नहीं। यदि हम कहते मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए, MU निकालिए, तो क्या निकाल देंगे आप 0.87 FYAST D-0.42 XU, या फिर क्या हो जाएगा आपका 0.36 FCK XU max BF हो जाएगा ना D-0.42 XU max, या फिर क्या हो जाएगा इसे तो MU लिमिट कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं MU लिमिट कहते हैं, फिर एक MU लिमिट क्या आ जाएगा 0.87 FYAST D-0.42 XU max, एक किसके लिए है, ए अंडर इन्फोर्समेंट के लिए, एक किसके लिए है भाई अंडर इन्फोर्समेंट सेक्शन के लिए है कि नहीं, और ए दोनों किसके लिए है, ए ओवर इन्फोर्समेंट के लिए या फिर
बैलेंस के लिए नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत होता ही है, दिक्कत हो जब अंदर है तो ये तो है ही नहीं इसका मतलब। जब डीएफ के अंदर जाएगा तो मेरे लिए एकदम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो कंक्रीट होता ही नहीं है, सिर्फ छड़ होता है, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए हैं, यही नुक्के किए हैं। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो देखिए बीएफ लिखे हुए चौड़ाई जाएगा तो ऐसे ही रेक्टेंगल ट्रेंगल मतलब जो भी जा रहा पैराबोलिक रेक्टेंगल, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल दें, सबसे पहले एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालता है, उसके बाद निकालता है, हो गया। अंडर एनफोर्समेंट के लिए होगा, बैलेंस और ओवर के लिए ये हो जाएगा। आगे बढ़ें, ठीक है। तो वही तो कह रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस निकाल दें, अब निकालेंगे ना, सबसे पहले वही निकालना चाहिए, लेकिन हम जैसे सी निकाले, टी निकाले, ए निकाले, ए निकाल दिए, अब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को निकालते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा भाई? लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, ये तो सबको पता है, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ग्रेड ऑफ स्टील, उसके बाद एक्स यू लिमिट, एफ आई 250 के लिए 10.53 डी, एफ आई 415 के लिए 10.48 डी, और एफ आई 500 के लिए 10.46 डी है। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा हमको? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मेन यही स्ट्रेस डायग्राम ही है। अभी देखिएगा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, टोटल टेंसाइल फोर्स इजकल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, तो क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी एफ इजकल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी, यहाँ से एक्स यू का मान निकाल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, अंडर ओवर जो होगा हम निकाल देंगे यहाँ से, कुछ है इसमें टी बीम में नहीं। अब बताइए आपको खुद नहीं लग रहा होगा कि सिंगली डबली और टी बीम को साथ साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरे चैप्टर में सिंगली दिया है तो चौथे चैप्टर में डबली दिया है, छठे चैप्टर में टी बीम दिया है, देखिए सब सेम है, तो नोट करिए। फिर अगला कंडीशन जो हार्ड वाला कंडीशन है बताते हैं, इस बार देखिए देख लीजिए एक और देख लीजिए एक और देख लीजिए ये तो एक्स यू डी एफ के अंदर हो गया, लेकिन एक्स यू किसके बराबर हो जाए, मान लेते हैं डी एफ के बराबर हो जाए, यानी अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो गया आपका? यहाँ हो जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे तो एक छड़ के सेंटर पर काम करेगा, यहाँ भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ऐसे ही होगा। देखिए वैल्यू चेंज होगा लेकिन आपको लगेगा नहीं 0.45 एफ सी के। अब देखिए अब कहाँ हो गया एक्स यू, कहाँ चला गया? एकदम डी एफ के कोने पर। फिर भी अभी भी क्या मिलेगा आपको? सी मिलेगा, जिसका मान कितना होगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी एफ। अब देखिए एक या तो इसका कोने पर जाए या ऊपर जाए, कोई मतलब है क्या उससे? नहीं, तो दोनों का मतलब एक ही होगा, या तो एक्स यू डी एफ के अंदर हो या डी एफ के किनारे पर हो, लेकिन फ्लेंज में न हो जाए, दोनों के लिए फार्मूला सेम ही रहेगा, है ना। तो 0.87 एफ वाई ए एस टी हो जाएगा, टी का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 10.42 एक्स यू, जानते हैं क्या चेंज होगा? यही चेंज होगा, सी नीचे ऊपर होगा, क्योंकि एक्स यू का मान फार्मूला सेम रहेगा लेकिन डाटा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स यू का मान कम है, यहाँ एक्स यू का मान अधिक है, तो एक्स यू से ए डिफर करेगा, एक्स यू इसमें भी है ए भी डिफर करेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे उसमें भी एक्स यू, लेकिन फार्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यू चेंज करेगा होकर निकालेंगे तो, क्योंकि देखिए फार्मूला सेम दिख रहा है ना। तो इन दोनों को नोट करिए, फिर अगला निकालते हैं डी माइनस 10.42 एक्स यू, नोट करिए फटाफट से। हाँ देखिए अभी इक्कीस सेकेंड को लिखते हैं, इस बार न मुंबई पहुँचेगी न चेन्नई पहुँचेगी, नहीं कोई जाए, लेकिन ये दोनों का कुछ दिख खास नहीं दिख रहा है ऐसा, मुंबई चेन्नई में, मुंबई तो ऐसे ही ख़त्म है। हाँ मैं तो कोई आ जाएगा तो मार देगा, ठीक। हाँ देखिए
अधिक ए हो गया हो गया। अधिक केस सेकंड को देखते हैं, दूसरा केस क्या देखेंगे, जो एक्स यू होगा ना वो क्या होगा, अधिक होगा किससे, डी एफ से। अब यानी अब कहाँ चला गया न्यूट्रल एक्सिस बताइए, वेव में चला गया भाई। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ चला गया, अब वेव में चला गया, यहीं कहीं होगा, कहाँ होगा नहीं पता, वो तो निकालने पता चलेगा। ए इधर देख लीजिए, अब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ चला गया भाई, वेव में चला गया। ठीक है, जब न्यूट्रल एक्सिस वेव में जाएगा तो इसके दो कंडीशन मिलेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा इसका, कि जो एक्स यू होगा ना, जो एक्स यू नहीं, जो डी एफ होगा, ये बता रहा है अभी समझ आएगा, लिखेंगे तो नहीं समझ आएगा, जो डी एफ होगा ओ ओ ओ 0.43 एक्स यू से कम होगा या फिर बराबर होगा। इसका मतलब नहीं समझ आ रहा होगा, ये बताते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब यह हुआ कि जब स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनाएंगे, बना दें, चलिए स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बाद में बनाते हैं, पर इसको तोड़ते हैं। देखिए इसको तोड़िए पहले, अभी उसका मतलब हम समझा रहे हैं, चलिए बता ही दे रहे हैं। देखिएगा, एक क्या हो जाएगा आपका, एक लाइन स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम बनाना है तो क्या है, डी एफ जो है ना वो 0.43 एक्स यू से, इधर देखिए नहीं समझ नहीं आएगा, जो डी एफ है वो 0.43 एक्स यू से कम है या फिर बराबर है, ये तो कह रहे हैं हम डी एफ का मान। तो देखिएगा, ये जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन होता है वही तो 0.43 होता है, जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन होता है, जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन होता है वही किसके बराबर होता है, ए वाला पोर्शन। देखिए स्ट्रेन डायग्राम में जाके देखिएगा, स्ट्रेन डायग्राम में जब एक्स वन एक्स टू निकलवाए थे, जाइए सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम में जाइए, जब सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन निकलवाए होंगे सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम में, देख रहे हैं ना बार बार सिंगली का यूज़ कर रहे हैं, ओए कहाँ समझ आएगा, है ना। हाँ देखिए, जब 0.43 होगा रेक्टेंगल वाला पोर्शन, वही 0.43 होगा, एक नीचे वाला होगा 0.57, है ना। तो देखिए जो डी एफ है ना वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 0.43 एक्स यू तक, समझ रहे हैं, यानी रेक्टेंगल वाला पोर्शन यहीं तक जा सकता है। अब समझ आया इसका मतलब, यह उसके अंदर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, अब बताइए ए वाला स्ट्रेस कितना होगा, 0.45 FCK, नीचे कहीं टेंशन लगेगा है ना, टी इसका मान क्या होगा, 0.87 FYAST लगेगा। चलिए इसको हम तोड़ते हैं, जैसे डब्ल्यू को तोड़े थे बहुत आसानी से, ऐसे इसको भी तोड़कर बहुत आसानी से हम समझते हैं। सबसे पहले हम वेव को बनाते हैं, ठीक है, किसको बनाते हैं भाई, सबसे पहले हम वेव को बनाते हैं, तो देखिएगा इसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं वेव को, देखिए ये हो गया क्या आपका वेव, क्या हो गया वेव, यानी बी डब्लू, इसमें क्या मिलेगा आपको, ए एस टी मिलेगा, इसे हम कहेंगे ए एस टी वन। ठीक है, अब बताओ फ्लेंज वाला, चलिए फ्लेंज वाला बनाते हैं भाई, फ्लेंज वाला बनाएंगे, देखिए ये तो पोर्शन बना चुके हैं इतना, अब किनारे वाला बस बच रहा है, देखिए किनारे वाला, किनारे वाला है, और इसको इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो है नहीं, ये तो हम लोग ले चुके हैं पहले, इसमें फ्लेंज वाला पोर्शन तो ले चुके हैं, तो क्या कर दें इसको हम डॉटेड कर दिए हैं, चलिए इसे कर दे रहे हैं डॉटेड कर दिए हैं, इसमें ले लिए इसको, तो बच्चे ए वाला कितना बचेगा, ए वाला क्या बचेगा आपका, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई टू, क्योंकि एक इधर भी है और एक इधर भी है, हो जाएगा ना बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई टू, समझा रहा है। ये जो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा भाई, बी एफ टोटल कितना है, बी एफ, बी एफ में से बी डब्ल्यू घटा देंगे, भाग देंगे तो आधा इधर का आधा इधर का आ रहा है। अब देखिए अब इसको, इसका स्ट्रेट डायग्राम अलग बनेगा, इसका स्ट्रेट डायग्राम अलग बनेगा, देखिए इसका स्ट्रेट डायग्राम बनाते हैं तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रेट, ये तो सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम सीधा दिख रहा है भाई, इसमें रहेगा आपका ए एस टी टू, देखिएगा इस, ये तो सिंगली की तरह सीधे सीधे दिख रहा है, इतना पूछना ही नहीं है, लेकिन स्ट्रेट डायग्राम ऐसा ही बनेगा आपका, लेके चले जाएंगे हम लोग और यहाँ बना देंगे, कितना है 0.45 FCK, नीचे कहाँ लगेगा आपका, यहाँ लगेगा टी वन 0.87 FYAST1, यहाँ क्या मिलेगा आपको,
सी वन कितना मिलेगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्लू सिंगलिंग तरह हो गया। बीच की दूरी कितना है बताइए, ए वाला यहाँ से कितना दूरी पर होगा 0.42 एक्स यू तो यही है ना, एक्स यू तो यही है। पहला केस वाला है, देखिए रेक्टेंगल बहुत होगा तो डी एफ के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा रेक्टेंगल डी एफ के बराबर ही होगा, रेक्टेंगल डी एफ के बराबर होगा। उसके बाद बीच की दूरी तो हम देख लेंगे, बीच की दूरी भी देख लेते हैं भाई, डी माइनस 0.42 एक्स यू हो जाएगा। अब देखिए एक क्या बना है बी, अब इतना चौड़ा चाहिए ना ए वाला पोर्शन को, देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। देखिए ए वाला तो डी एफ का इतना चौड़ा चाहिए, जगह से बचेगा, चलिए इसे हम कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं थोड़ा सा, बीच में हमको खाली करना पड़ेगा बी डब्ल्यू वाला है, हाँ पोलियो मार दी। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के ही तो आया है, इक्वल लगाए हुए हैं, इन दोनों को जोड़ के बनाए हुए हैं। देखिएगा ए वाला पोर्शन कितना है, ए वाला बी एफ माइनस बी डब्ल्यू अपन में 2 है ना। ए वाला देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, ए बी एफ माइनस बी डब्ल्यू अपन में 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए ऊपर जब कुछ है तो नीचे भी कुछ छड़ उसके साथ काम करेगा, रेइंफोर्समेंट, इसे कहते हैं हम लोग AST2। अब इसका स्टेट डायग्राम क्या बनेगा, देखिएगा इसका स्टेट डायग्राम बनेगा भाई, जो डी एफ है तो डी एफ ही है ना, ये क्या है आपका, ये क्या है, ये डी एफ ही है, तो डी एफ में स्टेट डायग्राम तो रेक्टेंगल ही है, डी एफ में स्टेट डायग्राम कैसा है, रेक्टेंगल ही है ना, तो यहाँ स्टेट डायग्राम कैसा बनता है, स्टेट डायग्राम रेक्टेंगल ही बनता है, क्योंकि डी एफ में तो स्टेट डायग्राम रेक्टेंगल ही है, देख लीजिए यहाँ पे है ना, और वो है कितना, वही है 0.45 एफ सी के नीचे डायरेक्ट ST2 कम करेगा तो हो जाएगा आपका T2 का मान 0.87 एफ वाई AST2। यहाँ कहीं बीच में काम करेगा इसका C2, क्या काम करेगा C2, कितने पर काम करेगा, ऊपर से DF/2 पर, क्योंकि रेक्टेंगल है और इसकी पूरी गहराई कितनी है, DF है ना, DF है तो आधे पर काम करेगा, यानी लीवर आर्म 2 क्या मिल जाएगा, Z2 मिल जाएगा, D-DF/2। हाँ ये जो रेक्टेंगल है ना, जो स्ट्रेट डायग्राम है वो तो रेक्टेंगल है, ये जो स्ट्रेट डायग्राम है वो कैसा है, रेक्टेंगल है, तो उसके सेंटर पे ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ना फ्लेंज में स्ट्रेट डायग्राम कैसा है, रेक्टेंगल, तो यही तो फ्लेंज वाला वहाँ सिर्फ हम बनाए हैं, अब तो इतना समझाया पक्का आ रहा है, कहीं कन्फ्यूजन होता है, पक्का आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा, पूछे कि हाँ चलिए एक बार आपको नहीं आएगा ना, आपको नहीं आगे बढ़ हैं, चलिए एक बार और बता देंगे, एक बार अभी और बता देंगे, पर न्यूमेरिकल लिख लेते हैं फिर मिटा के बता देंगे, ठीक है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम बताए थे ना कि जब कहे थे ना कि जब हम टीवी पढ़ाएंगे भाग जाएंगे, तो मतलब कि भागने का मतलब यही कि समझ नहीं आएगा जल्दी, तो अभी मिटा के फिर एक बार बता देंगे, ठीक है अच्छे से बता देंगे। अब देखिएगा भाई यहाँ कहीं काम किया होगा C1, ये दोनों का कॉम्प्लिकेटेड रूप से बना रहे हैं, यहाँ कहीं काम किया होगा C2, यहाँ काम किया करेगा Z1, ये मान लेते हैं क्या आपका Z1 है, और यहाँ से मान लेगा ये Z2, Z2 हो जाएगा। अब देखिएगा हमको न्यूट्रल एक्सिस निकालना है, तो लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस तो वही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है, सबसे पहले क्या निकालना होता है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालेंगे, टोटल टेंसाइल फोर्स इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स, यानी T1 + T2, देखिए यहाँ तो टी है, T1 होगा, T1 + T2 इक्वल टू C1 + C2, तो T1.87 FY AST1 भाई, कुछ छड़े फ्लेंज के साथ मिलकर कपल बनाएगी, कुछ छड़े वेव
मतलब कि फ्लेंज के साथ मिलकर कपल बनाती है, कुछ वेव के साथ मिलकर कपल बनाएंगे। तो मत छोटी छोटी कैसे ST1 ST2 हो गया, कुछ छड़े इसके साथ मिली है तो कुछ छड़े वहाँ मिलकर कपल बनाएंगे, क्योंकि ऊपर रहेगा नीचे नहीं रहेगा तो कपल बनेगा ही नहीं, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, लीवर आर्म मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो कुछ छड़े जो वेव के साथ आएगी वेव के साथ ले लेंगे, कुछ छड़े फ्लेंज के साथ आएगी फिर कपल बनाना है इसको, है ना। लेकिन कितना आएगी हमको नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो बना आएगी, कुछ इसके साथ फोर्स इक्वल करेगी, कुछ उसके साथ यानी कंप्रेसिव फोर्स, कुछ इसके साथ टेंशन मतलब कि छड़े इक्वल करेगी, ए वाला कंप्रेसिव फोर्स की कुछ छड़े इसके साथ बराबर करेगी तब कपल बनेगा, कितना आएगी वो नहीं पता, हमको जानना भी नहीं। देखिएगा ST1 प्लस 0.87 FY ST2 इक्वल टू C1 का मान लिखे हैं 0.36 FC के XU BW, ध्यान देना है BF BW क्या कहाँ क्या क्या लग रहे हैं, हाँ BW लगेगा। प्लस देखिए C2 का मान वहाँ लिखे नहीं है क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन लिखते हैं C2 क्या है, फोर्स है, फोर्स क्या होता है एरिया इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको दिख रहा है 0.45 FC के, और क्या चाहिए आपको एरिया चाहिए, तो ए वाला दूरी ए टोटल कितना हो जाएगा BF - BW, जोड़ देंगे तो आधा आधा जो किए हैं BF - BW बचा है ना इंटू DF, देखे कितना तेज हो गए हैं, एरिया मिल गया वेव फ्लेंज का बचा हुआ एरिया, सही है ना। आगे बढ़ें तो 0.87 FY AST इक्वल टू ST1 ST2, उसके बाद 0.36 FC के XU BW प्लस 0.45 FC के BF - BW इंटू DF, इसको पैक कर दीजिए, जहाँ AST क्या है भाई, AST इक्वल टू AST1 प्लस AST2, लिमिटेड न्यूट्रल एक्सेस पता ही है फिर भी लिख दे रहे हैं भाई। देखिए एफ ग्रेड ग्रेड और XU मैक्स का लीजिए, XU लिमिट का लीजिए, FI 250 के लिए कितना हो जाएगा 0.53D, FI 415 के लिए 0.48D और FI 500 के लिए 0.46D। अब क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, आप लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो MU क्या हो जाएगा 0.36 FC के XU BW D - 0.42 XU हो जाएगा, प्लस 0.45 FC के BF - BW D - DF/2 हो जाएगा, हाँ अब नीचे जगह नहीं है, इतना नोट करिए, पर इतना नोट करिए फिर आगे लिखवाते हैं, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखवाएंगे, नोट कर लीजिए पहले। हाँ देखिए तो हेलो, ओए इसको समझ लेते हैं, एक किसके लिए था, देखिएगा ये जो ना अंडर एनफोर्समेंट के लिए है कि नहीं, अंडर ये ओवर के लिए ना, देखिए ओवर या बैलेंस के लिए, ओवर या बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, बैलेंस के लिए XU की जगह क्या लिख देंगे हम लोग XU max, बस हो जाएगा, लिख लीजिए फिर इसको हम समझाते हैं कैसे आया हुआ है। ओवर या बैलेंस के लिए XU की जगह क्या लिख देंगे हम लोग XU max, ओवर या बैलेंस के लिए हम लोग फार्मूले कैसे फार्मूले का यूज़ कर लेंगे, अब भी लैंडस्लाइड मोड करके लिखने लगे ना, समझ आ रहा है, नहीं इन लोगों का मन बढ़ गया जब पता है कोचिंग चल रहा है तो घर पे सो रहे हैं लोग, पढ़ेंगे ना, मन करेगा, मन करेगा तो जाएंगे पढ़ने, मन मौजी पढ़ रहे हैं लोग, हम पढ़ाते थे पिछले सेमेस्टर बताए थे RCC एक दिन छूट जाएगा तो नहीं समझ आएगा, आज एक हफ्ता 10 दिन छोड़े हुए हैं, देख रहे हैं फार्मूला
तब ग्राफ समझिए, फार्मूला याद हो जाएगा। इंजीनियर ऐसे बनेंगे, पैसा ऐसे छापेंगे, हाँ तब नहीं कहेंगे कितना पैसा गिना। तो शकल से चोर लगते हैं आप कहाँ खरीदेंगे मेरे भाई। चोरी करना भी एक कला है। हाँ हाँ अमन का ही हाथ है पूरा। हाँ देखिए तो दूसरा समझिए, ओए दूसरा समझिए, इसको समझाएंगे अभी, दूसरा समझाएंगे ना, दूसरा समझाएंगे तो हो सकता है समझ आ जाए। देखिए तो जो सेकंड है ना, वो जो डीएफ है, हेलो अभी हम वही पढ़ रहे हैं, जो एक्सयू है वो डीएफ का कहाँ है, नीचे। जो एक्सयू है, बात मत करिए, जो एक्सयू डीएफ का कहाँ है, नीचे। लेकिन इसमें पहला कंडीशन था, दूसरा क्या है कि जो डीएफ है ना वो कम है, नहीं डीएफ क्या हो गया, अधिक हो गया, किससे, 0.43 एक्सयू से। पिछली बार कम था डीएफ या इक्वल था, इस बार क्या हो गया, अधिक हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए हो जाएगा आपका टी बीम, इसको ना थोड़ा सा अच्छे बनाते हैं। ए हो जाएगा आपका क्या, टी बीम हो जाएगा भाई, ठीक है टी बीम हो गया। हाँ इसमें क्या लग गया आपका, छड़, नहीं ये तो दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा। हाँ एक क्या हो जाएगा आपका, ए एस टी, एक क्या हो जाएगा आपका, बी एफ, और एक क्या हो जाएगा आपका, डी एफ, है ना। इधर समझिए, न्यूट्रल एक्सिस यहीं कहीं होगा, न्यूट्रल एक्सिस, हेलो समझिए। अब इसको हम दो भागों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे भाई, हम दो भागों में तोड़ रहे हैं। सबसे पहले वेव को बनाएंगे जिसकी चौड़ाई कितनी है, बी डब्लू। तो देखिएगा सबसे पहले हम किसको बना दे रहे हैं, वेव को, इतना ही बड़ा बनाना चाहिए भाई, और वो भी इतना ही ऊंचा बनाना चाहिए। किसको बना दिए सबसे पहले, हम वेव को बना दिए। वेव में कुछ छड़ें आएंगी जिसे हम क्या कह देंगे, ए एस टी वन। उसके बाद जो बाकी बचा है फ्लेंज, उसको बनाते हैं। तो फ्लेंज को यहाँ बनाएंगे कैसे, देखिएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका फ्लेंज, जितना मोटा फ्लेंज रहेगा उतना ही मोटा बनाएंगे भाई। और बताइए, इसमें खाली करना पड़ेगा क्योंकि वेव वाला तो पहले ही बना चुके हैं। वेव वाला तो पहले ही बना चुके हैं भाई, है ना। बताइए एक कितना बचा, ए बचा आपका बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई टू, है ना। ये हो जाएगा आपका बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई टू, ठीक है। इन्हीं दोनों से मिल करके क्या बना है आपका, टी बीम बना है। एक नीचे इसमें रिइंफोर्समेंट लग जाएगा, इसे कहेंगे ए एस टी टू। देखिए इन दोनों को ऐड करिए, देखिए ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, या किसी को उसमें रख दीजिए या उसको जाकर इसमें रख दीजिए, मिल जाएगा आपका दोनों। अब इसका स्टेज डायग्राम बनाना, तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं कि जो डी एफ है ना, और 0.43 एक्सयू का क्या है, अधिक है। हम यही कह रहे हैं, समझिए इधर, ऐसा समझिए, जो डी एफ है 0.43 एक्सयू का क्या है। हाँ तो वही तो, क्योंकि देखिए ये तो पिछले बार ही बताए थे कि जो ऊपर का कंक्रीट है न्यूट्रल एक्सिस, भाई कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस जाएगा यहाँ पे, ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर कंक्रीट है और एनफोर्समेंट के साथ कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स मिलेगा तभी तो कपल बनाएगा। तो ऊपर कुछ कंक्रीट है तो कुछ नीचे रिइंफोर्समेंट रहेगा तो क्या बनाएगा, कपल बनाएगा। वो समझने के लिए खाली है ना, अब समझ, जैसे कि यहाँ देखिए, यदि हम यहाँ आ जाएँ, देखिएगा यहाँ आ जाएँ, तो कुछ छड़ें फ्लेंज के साथ मिल के कपल बनाएंगे, कुछ छड़ें वेव के साथ, है ना। लेकिन इसी को अलग से दिखाएं, हम वेव वाले को दिखा दें, कुछ छड़ें वेव के साथ मिली है और कुछ छड़ें फ्लेंज के साथ, ये नहीं देखना खाली, ये तो बस आसानी से हम समझने के लिए देखें। यही देखिए, कुछ मान लेते हैं ऊपर क्या है, ऊपर 20 न्यूटन आ रहा है तो नीचे भी 20 न्यूटन आएगा तभी दोनों ने कपल बनाएंगे, सब लीवर आर्म में तभी बनता है, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी लीवर आर्म बनता है।
लिखना टोटल टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो 20 आया, 20 न्यूटन ऊपर है, 20 न्यूटन नीचे है। तो ये 20 न्यूटन में दो छड़े मिल करके 15 दी हैं और एक छड़े मिल कर 5 दिया है, समझ रहे हैं। तो हम ये मान के चले हैं कि ये नहीं पता हमको कौन कितना दे रहा है, ये नहीं ले, लेकिन हम मान के चले कि जो वेव वाला पोर्शन कुछ छड़े वेव वाले पोर्शन के साथ मिल रही हैं और कुछ छड़े हैं फ्लेंज वाले के साथ, यानी कुछ छड़े इसके साथ कुछ छड़े इसके साथ, बस अलग अलग उसको हम दिखाए हैं। एम वह सोचे बीच में खाली है तो कुछ होगा ही नहीं, बस अलग अलग दर्शा कर स्टडी किया था, समझ आता है, समझे। अब देखिए यहाँ समझिए, हम स्ट्रेट डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रेट डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिएगा न्यूट्रल एक्सिस यही है, यही आपका न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए जो 0.43 है ना, देखिएगा अब समझ आ जाएगा आपको, अभी आपको समझ आता है फटाक से। ये 0.43 है ना, 4.3 वाला रेक्टेंगल वाला पोर्शन ही तो 4.3 है, वो कम है किससे, डी एफ से, यानी डी एफ के अंदर ही रेक्टेंगल होगा, बाकी यहाँ से कैसा जाएगा आपको पैराबोली, समझ आ गया कि नहीं आ गया। देखिए 0.43 वाला पोर्शन रेक्टेंगल वाला 0.43 और डी एफ से क्या हो गया, कम हो गया, हो गया आ रहा है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, यहीं कहीं पर यहाँ कहीं सी वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब यहाँ वही सी वन किसका, सिर्फ फ्रेंज का सी वन हम यहाँ निकालेंगे। देखिए कुछ नहीं है, यहाँ एक सीधी लाइन जाएंगे, मेरा सीधा नहीं जा रहा भाई, सीधा लेके जाएगा सीधी लाइन। अब देखिए यही चीज़ सेम ही बनाएंगे, लेकिन सिर्फ इसके लिए बनाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह का और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, यानी जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है वो डी एफ का कहाँ रखना है, अंदर ही रखना है, डी एफ का अंदर ही रखना है। बताइए ए वाला कितना है, 0.45 एफ सी के, यहाँ क्या मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, सी वन, कितना होगा सी वन का मान बताइए, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू। लेकिन डाटा पूरा चेंज होने वाला है, सारा डाटा क्या होगा आपका चेंज होगा, ठीक है, फार्मूला सेम मिलेगा, मतलब वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। एक कितने दूरी पर होगा, वही दूरी पर होगा भाई, 0.42 एक्स यू, होगा कि नहीं होगा। और नीचे क्या मिलेगा आपको, टी वन मिलेगा, टी वन का मान कितना होता है, 0.87 एफ वाई ए एस टी वन। आया एक कंडीशन समझ आ रहा है, कंडीशन लिखवा रहे हैं, नहीं आ रहा है, ए नहीं है, ए नहीं है बोला, तो वही तो यहाँ बनाए हैं, वही तो हम यहाँ बनाए हुए हैं, डी एफ मतलब उधर ही रखना है, कहने का मतलब कि 0.43 एक्स यू जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है वो डी एफ के, जो डी एफ वाला पोर्शन है, हाँ तो सी वन रेक्टेंगल के अंदर रहेगा, जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है नहीं वाला वो फ्लेंज के अंदर ही रहेगा। देखिए रेक्टेंगल वाला पोर्शन यही तो रेक्टेंगल वाला 0.43 एक्स यू होता है, तो जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है, जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है उसका पैराबोली आया हुआ है, तो जो रेक्टेंगल वाला पोर्शन है वो डी एफ के अंदर ही है। तो यहाँ भी देखिए रेक्टेंगल वाला पोर्शन, देखिए यही तो डॉटेड किया रेक्टेंगल वाला, तो देखिए ए डी एफ के अंदर ही रेक्टेंगल वाले पोर्शन को रख दिए हैं, नहीं जगह नहीं ना, वो कहीं भी रख दिया, उसे क्या मतलब जगह नहीं है, वो कहीं रख दीजिए कोई मतलब नहीं, वो तो न्यूमेरिकल ए कह रहे थे आप, 0.42 एक्स यू, वो कहीं रखिए, वो तो आएगा जितना हम देख लेंगे, ठीक है, वो कहीं रखिए, वो अलग चीज़ है, जगह नहीं था नीचे बना दिए थे। सी वन इजकल टू क्या होता है, 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्ल्यू, वो कहीं रख दीजिए, इसको इसमें कहीं रख दिया तो वैल्यू मेरा आता है ना, हम तो बस समझा रहे थे, समझ आ गया वाला। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ जेड वन मिल जाएगा, डी माइनस 0.42 एक्स यू, यही सी वन का इज इक्वल टू लिखे यहाँ पे, देखिएगा हो गया, आगे बढ़े, बस थोड़ा सा और समझना हो जाएगा न्यूट्रल एक्स। अब देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ टी टू मिल जाएगा, 0.87 एफ वाई ए एस टी टू, इसे ध्यान दीजिए, अब समझिएगा, अब समझिए, अब यहाँ बनेगा आपका रेक्टेंगल। अब देखिए अब रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि समझिएगा, ओए समझिए, यहाँ देखिए एक क्या यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है क्या, यहाँ पे फ्लेंज का रेक्टेंगल बनेगा, कुछ कुछ कम है कि नहीं है, समझिए हम क्या समझाना चाहते हैं, इसको देखिएगा हम कैसे बनाए हैं,
यहाँ तक रेक्टेंगल है, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो रेक्टेंगल लाए हैं, उसके बाद कैसा लाए हैं? पैराबोलिक। लेकिन जो स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं ऊपर का, वो किसके लिए बना रहे हैं? फ्लेंज के लिए। तो फ्लेंज के लिए यही तो हो जाएगा स्ट्रेस डायग्राम, इतना कितना ऐसे मिल जाएगा भाई, ऐसे इतना ऐसे मिल जाएगा। पिछली बार तो नीचे था, पिछली बार ये क्या था, पिछली बार रेक्टेंगल वाला नीचे था तो रेक्टेंगल ही मिल गया था, लेकिन अब क्या है आपका ऐसा है, समझ आ रहा हूँ क्या कर रहे हैं? अब तो डायरेक्ट रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कर्व लिए मिलेगा, है ना। अब कैसा मिलेगा ये, थोड़ा सा देखिएगा, ऐसा जाएगा और थोड़ा सा कर्व लिए मिलेगा, देख लीजिए यहीं पर देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ लेके जाएंगे तो थोड़ा सा कर्व लिए, है ना। और यहीं क्या मिल जाएगा आपका, क्या मिलेगा आपको यहीं कहीं C2 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए कर्व का स्टडी करना मेरे लिए क्या पड़ रहा था, कठिन पड़ रहा था, तो इसको आसान बनाने के लिए इसको भी क्या मान लिए हम लोग, एकदम रेक्टेंगल। और जैसे रेक्टेंगल माने वैसे ही DF को हम क्या मान लिए हैं, इसको हम कह दिए हैं YF है, क्या माने हैं इसको हम कह दिए हैं YF, और C2 का काम किया है YF by 2 पे, हाँ YF by 2 पे। अब देखिए YF क्या है, YF by 2 पे काम कर दिया, और Z2 क्या हो जाएगा, D minus YF by 2। अब देखिए अब YF का मान क्या है, रेक्टेंगल उसको मान लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल मान लिया। अब YF का मान हमको याद नहीं है, तो YF का मान बुक से थोड़ा दीजिए, देख कर लिखे YF का मान, अभी बताते हैं YF क्या, क्यों इसको रखे हैं। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना, जब हम आपको न्यूमेरिकल लगाएंगे तब YF वाला कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। लिखिएगा, हाँ 0.15 XU प्लस 0.65 DF, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, YF, ठीक है, समझिएगा YF। हेलो, ये YF वाला कंसेप्ट ना, मतलब देखिए एकदम रेक्टेंगल था नहीं, थोड़ा सा कर्व लिया था, लेकिन हम स्टडी में आसानी के लिए क्या मान लिए उसको, हम रेक्टेंगल मान लिए, रेक्टेंगल माने तो ये वाला पोर्शन को हम क्या मान लिए, YF। क्या किया गया समझिएगा, हाँ यही ना, देखिए क्या किया जाता है, देखिए क्या किया जाता है इसमें, इसमें किया जाता है कि इसको मानना है आपको रेक्टेंगल स्टडी में आसानी के लिए, तो थोड़ा सा इसको ना बढ़ाया जाता है, इसको बढ़ा दिए यहाँ तक कर लिए, और थोड़ा सा इसको घटाया जाता है, इसको थोड़ा सा देखिए ये यहीं तक था तो कहाँ तक लेके गए, यहाँ तक, और इसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, यहाँ से घटा दिया जाता है, समझ रहे हैं, और हो जाता है सिर्फ ऐसा, क्योंकि यहाँ का काट के कहाँ ला दिया हम, यहाँ ला दिया, और इसी को क्या कह देते हैं हम लोग YF, क्योंकि हमको इससे क्या मतलब एरिया चाहिए था इससे, तो इसका कंसेप्ट जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तब बताएंगे कि देखिए ऐसा था और इस फार्मूले को लगाने के बाद ऐसा मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला स्ट्रेस तो ऊपर वाला स्ट्रेस है, पता है आपको कितना है, 0.45 FCK। अब देखिए अब क्या निकालना है भाई, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं C1 हो जाएगा और कहीं क्या मिल जाएगा आपको, C2। अब देखिए C1 C2 भी ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। नीचे क्या मिलेगा आपको, T मिल जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे हम क्या, Z1, और यहाँ से हो जाएगा आपका Z2। अब देखिए C2 का मान लिखे हुए नहीं है हम वहाँ पर, ठीक है, अभी हम क्योंकि जगह नहीं है तो बाद डायरेक्ट फार्मूले में लिखेंगे। क्या लिखे रहे हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या लिखते हैं, टोटल टेंसाइल फोर्स इज इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव फोर्स। तो टोटल टेंसाइल क्या होगा, 0.87 FY AST1, लिखते हैं पहले T1 + T2 इजकल टू C1 + C2, 0.87 FY AST1 + 0.87 FY AST2 इजकल टू 0.36 FCK XU BW प्लस, इसमें देखिएगा स्ट्रेस कितना मिलेगा, 0.45 FCK, स्ट्रेस इंटू एरिया चाहिए, तो एरिया क्या मिलेगा, BF - BW × YF हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, 0.87 FY AST इजकल टू 0.36 FCK
एक्स यू बी डब्लू प्लस 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्लू इंटू वाई एफ। यहाँ से मिल जाएगा मेरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस तो वही रहेगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए यार हमको होता है कि लिख ही दें। देखिए यहाँ होगा ग्रेड, यहाँ होगा एक्स यू मैक्स, तो एफ आई 250 के लिए 0.53 डी और एफ आई 415 के लिए 0.48 डी और एफ आई 500 के लिए 0.46 डी। हम बता रहे हैं कि क्या बताने जा रहे थे कि ये सब कुछ नहीं आएगा, बस आपका न्यूमेरिकल आएगा लगाने के लिए। तो याद रहेगा तो न्यूमेरिकल लगेगा, ठीक है। एम यू देखते हैं भाई, एम यू, एम यू क्या होगा 0.36 एफ सी के एक्स यू बी डब्लू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के बी एफ माइनस बी डब्लू वाई एफ डी माइनस वाई एफ बाई 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ अल्टीमेट या लिमिटिंग मोमेंट। जैसे ये किसके लिए है, ए अंडर इन्फोर्समेंट के लिए, किसके लिए है अंडर इन्फोर्समेंट। ओवर के लिए क्या होगा, ओवर इन्फोर्समेंट या फिर बैलेंस सेक्शन के लिए, बैलेंस के लिए, के लिए एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एक्स यू मैक्स, एक्स यू की जगह एक्स यू मैक्स रख देंगे, ओवर या बैलेंस के लिए निकल जाएगा। तो नोट करिए आपका डब्ल्यू ख़त्म, टी लगभग में ख़त्म, अब लगभग में पूरा नहीं ख़त्म, अब न्यूमेरिकल लगेगा कल से, हम बताएंगे इसमें करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए।